मैडम जी कहाँ पर है? मैडम जी दिल में, विकी कौशल को। हाँ आपके दिल में तो कोई। अरे 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 सुनो भाई, बोले सिद्धांत चतुर्वेदी कहो कुछ भी है मस्त मौला आदमी। देखिए इस वाली डिबेट पर काफी लोग उनके साथ है तो काफी खिलाफ है। बाकी भाई मैं बता दूं, मैं तो उन लोगों की तरफ हूं जो जनता चाहे, तो कमेंट लास्ट तक कर देना आपकी राय क्या है। पूरा मामला ये है कि ईशान खट्टर एंड अपने चतुर्वेदी साहब सिद्धांत साहब आ रहे थे एयरपोर्ट से। जितने लोगों को नहीं पता, दे बोथ आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब जनरली क्या था, इनके साथ ना कटरीना रही है लास्ट करीब करीब 30 से 40 दिनों तक, क्योंकि भाई शूटिंग थी, उसके बाद प्रमोशंस थे, तो हर जगह पे आना जाना एक साथ था। तो भाई पेपराजी ने इनसे पूछा, बाकी जिन लोगों को पेपराजी नहीं पता मैं उनको बता दूं, पेपराजी वो लोग हैं जो मैगजीन्स के लिए काम करते हैं और स्टार्स के लिए काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पेपराजी खरीदते हैं कि भाई मेरे पीछे 3-4 लोग रहने चाहिए, मैं जहां जाऊं आऊं ताकि पीआर अच्छी बनी रहे। तो कुछ लोगों को मैगजीन भेजती है कि भैया तुम स्टार के पीछे जाओ, उनकी अच्छी डिमांड है। तो ऐसे भाई ईशान खट्टर और सिद्धांत के लिए आई हुई थी पेपराजी। अब सिद्धांत को ये भी पता है कि पेपराजी हर किसी पे नजर रखती है, कौन किसके साथ बैठा है, खा रहा है, कौन किसके साथ डेट कर रहा है, नहीं कर रहा। और वहीं पर जब किसी ने पूछा कि कटरीना कहाँ है, तो सिद्धांत का जवाब था भाई उनके दिल में जिनके में होनी चाहिए, यानी कि विकी कौशल। फिर एक पेपराजी में से बोला कि सर सही बात है, क्योंकि आपके दिल में तो वो है ना। और इतना ही बोलने पर सिद्धांत वहां से भागे हैं उसके पीछे कि भाई ये मत कर, क्योंकि भाई देखो सीधी सी बात है, अगर कहीं भी किसी का भी नाम आता तो डेफिनेटली कोई ना कोई रिएक्शन आएगा सिद्धांत का, और अगर कोई रिएक्शन आएगा तो पकड़ लिया जाएगा। जिस तरीके में भाई पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा कार्तिक आर्यन बचा के आ रहे हैं, ठीक उसी प्रोसीजर में लगे हुए सिद्धांत भी, क्योंकि उससे पहले भाई कितना नाम खराब हुआ कार्तिक आर्यन का, इससे डेट उससे डेट, तो इस वाले चंगुल से बचना चाहते थे सिद्धांत। लेकिन भाई फंस गए किसी दूसरे चंगुल में, क्योंकि लोग पीछे दौड़ लिए उनके भी, मतलब कि ट्विटर पे कि ये क्या बिहेवियर था, किसी को जॉब करते हुए कैसे परेशान करोगे। बाकी इट वॉज ऑल गुड, बिगिनिंग में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुए थे, बाद में ऐसा दोस्ती चारी भाईचारा उनका बढ़िया है सबके साथ। यू डू लेट मी नो कि आपकी राय क्या है। बाकी मिलता हूँ जल्द, बाय बाय।